वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 विश्व पर्यावरण दिवस हर साल लोगों को प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और वातावरण के महत्व के बारे में याद दिलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हर साल 5 जून को यानी कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जो है नेचर के बारे में यानी कि प्रकृति के बारे में, फिर यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के बारे में और वातावरण का जो है यहाँ पर महत्व किस प्रकार है इस पृथ्वी में, इस अर्थ में, उसी को याद दिलाने के लिए ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 के बारे में यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग इसका इतिहास क्या है, साथ ही साथ इसका उद्देश्य जो क्या है, और इम्पोर्टेंट जो होता है थीम, कुछ थीम के साथ में ही मनाया जाता है, तो उस थीम को भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका जो उद्देश्य है उसको देखते हैं। तो पर्यावरण की रक्षा और संतुलन के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। तो इसका जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना है। तो किस प्रकार का, तो यहाँ पर जो है पर्यावरण की रक्षा यहाँ पर किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, इन्वायरमेंट की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, साथ साथ इस इन्वायरमेंट में जो है अनबैलेंस हो चुका है उस अनबैलेंस को हम लोगों को बैलेंस में लाने के लिए क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जागरूकता पैदा करना है लोगों में। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। इतिहास की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में UNO ने विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में अमेरिका में मनाया गया था। तो दोस्तों अगर इतिहास में हम लोग बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी उसी समय, लेकिन पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया वह 1974 में मनाया गया था। और वह कहाँ मनाया गया था, तो वह अमेरिका में मनाया गया था सबसे पहली बार। अब हम लोग थीम की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थीम। तो 2023 का जो थीम है वह है हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। तो यह इस बार का थीम है हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यह भी इसी साल का थीम है, इसी विषय पर ये आधारित है। तो जो इम्पोर्टेंट हुआ है हैशटैग बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है। देखिए 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं, 2022 यानी 2022 में जो थीम था वह था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। तो ये पिछले साल का थीम था केवल एक पृथ्वी, उसी को इंग्लिश में कहेंगे ओनली वन अर्थ। तो यह है, लेकिन हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट हुआ है ये वाला यानी कि 2023 वाला जो थीम है, कुछ ना कुछ थीम के साथ में हर साल मनाया ही जाता है, तो इस साल का जो थीम है ये। इस बार मेजबानी भी हो रहा है यहाँ पर, तो मेजबानी करने वाले देश के बारे में मैं बताता हूँ। तो इस बार जो है मेजबान देश हैं कोटे डी आइवर, और यह नीदरलैंड के साथ में मिल करके ये जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के जो है मेजबानी करने वाले देश हैं, यहीं पर इस बार मनाया जा रहा है। कोटे डी आइवर जो कि नीदरलैंड के साथ में मिलकर के इसका मेजबानी कर रहा है। अगर पिछले साल मेजबानी करने वाला देश कौन था, तो पिछले साल का जो मेजबानी करने वाला देश थे वह था स्वीडन। तो पिछले बार यहाँ पर हुआ था और इस बार जो हो रहा है कोटे डी आइवर नीदरलैंड में, और 2022 वाला जो हुआ था वह स्वीडन में हुआ है। तो दोस्तों ये तो था इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं अगर हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण किस प्रकार से यहाँ पर असंतुलन हो गया है, उसके कारण हमें क्या हो गया, तो ग्लोबल वार्मिंग भी हमारा यहाँ पर हो गया है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, असमय में बारिश हो जाती है, बहुत गर्मी लग रही है, साथ साथ में बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं, और यहाँ पर असंतुलन होने के कारण में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होते ही जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले के जो है जीव जंतु जो हैं वे भी इस अनबैलेंस्ड में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, साथ साथ में विभिन्न प्रकार की जो हैं बीमारियां भी बढ़ रही हैं, ये हम सभी को पता है। तो हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पर्यावरण को बचाना है, इसको संतुलन बनाए रखने के लिए हम लोगों को जितना भी हो सके वो सब सारी चीज़ें करनी ही करनी है, ताकि यह पर्यावरण भी संरक्षित रहे, संतुलन रहे और पृथ्वी भी बची रहे। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। जनसंख्या में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है, तो जनसंख्या को हम लोगों को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ हम लोगों को और जीव जंतु जो है उन सबों की भी संतुलन बनाए रखना है। हमें बहुत से चीज़ें हैं
जो कि करने चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षा और संतुलन बना रहे। इसी से हम लोगों की जो है जीवन भी बची रहेगी, साथ साथ में पृथ्वी भी बची रहेगी। तो हम लोगों को हो सके जितना भी उतना अच्छे से अच्छा करना है ताकि यह पर्यावरण संरक्षण हो सके और साथ ही साथ हमें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों यही था इस वर्ष का जो है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट उसका जो थीम है, तो थीम मैंने आप लोगों को बता दिया है।